आप अगर अच्छे हैं तो आपको सब अच्छे दिखाई देंगे, आप बुरे हैं तो आपको बुरे दिखाई देंगे, आप जैसे होते हैं वैसे आपको दिखता है, ये आपकी नजर होती है, आपका नजरिया होता है। तो टुडे आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट नई रोशनी। ये एक तो उल्टा दिखता है इसमें कैमरे में, मैं बड़ा टेंशन में रहता हूँ कि यार ये उल्टा क्यों दिखता है, ये नई रोशनी है। बुक है मेरे पास नई रोशनी की, इसमें पूरा है कैसे क्या पूरी पूरी A to Z चीज, ठीक है। तो जिनको चाहिए हैं वो लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं उनको ये बुक दे दूंगा, कैसे करना है क्या करना है, क्योंकि आज हमारा टॉपिक है माइनॉरिटी सेक्शन को टारगेट किया है आज हमने। रेड्डी जी, अगर रेड्डी जी को एंट्री दे दो, एडमिट ऑल तबरेज जी भी आ गए। और जो भाई टाइम से देखो, अब भाई टाइम थोड़ा ध्यान कर लीजिए, 8 बजे की टाइमिंग है अपनी। और गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भाई साहब शर्मा जी, बीरेंद्र, बीरेंद्र डॉक्टर, डॉक्टर बीरेंद्र है। एम आई प्रोनाउंस आपका नाम मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, है ना जी? ठीक, हाँ। तो हम बात कर रहे थे कि आज हम टारगेट करेंगे माइनॉरिटी, जो मंत्रालय है मिनिस्ट्री विभाग, तो माइनॉरिटी में कौन कौन सी इस टाइम। देखिए एक चीज और है, कुछ कुछ स्कीम्स हैं वो हो सकती हैं अभी चल रही हो सकती हैं अभी ना चल रही हो, लेकिन हमको क्या करना है, हमको सीखना है ना। तो फर्स्ट यू हैव टू कमिट, आपको क्या करना है, कमिट करना है। किस चीज का कमिट करना है कि गो ऑल इन। गो ऑल इन का मतलब है चाहे कुछ भी हो जाए, वट एवर इट टेक्स मेंटेलिटी के साथ में आपको अपने शिप, अपने जहाज, अपनी सारी चीजें जला देना है, वापस नहीं मुड़ना है। हम एक बार इस मुहिम में, इस नदी में, इस जंग में फांद गए हैं, तो अब हम वापस नहीं करेंगे, अपने आप को बैक ऑफ रिट्रीट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमको सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ना है, आज नहीं तो कल होगा, जरूर होगा, है ना। बिलीव रखिए, ट्रस्ट रखिए सिर्फ दो चीजों में, बिलीव इन यू, पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटीज बहुत सारी हैं, बहुत पॉसिबिलिटी हैं, इतनी पॉसिबिलिटी हैं, यकीन मानिए कमी नहीं है दुनिया में किसी चीज की, किसी चीज की कमी नहीं। हाँ, बुक चाहिए, जिनको चाहिए उनको मिल जाएगी, मैसेज कर दीजिएगा मुझको व्हाट्सएप, मैं खड़ा कर सबको भेज दूंगा। और बुक ही नहीं, इसके साथ में और बहुत सारी चीजें मिलेंगी। एक और है, ये है जो दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में, दिल्ली वाले वजाहत, मुझे आपसे बात करना होगी, आपसे, आपके लिए बहुत सारा काम है, NSDC का है। हाँ, आपको भी मिलेगी, अंजुमन चौहान जी, आपको भी मिलेगी, सबको मिलेगी। ये नेशनल नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, दिल्ली, दिल्ली वाले जितने हैं, दिल्ली, न्यू दिल्ली, और ये जो आपके जहाँ पे दिल्ली के आसपास हैं, उनके लिए बहुत सारा वर्क है, NSDC का है वर्क, और ये वाला है। तो वो लोग मुझसे बाद में बात कर लेंगे, ठीक है, क्या करना है कैसे करना है हम बाद में बात करेंगे। तो मैं स्क्रीन अपनी शेयर करता हूँ, लेट मी शेयर माई स्क्रीन, प्लीज वेट। हाँ, बिहार से हैं, बिहार के लिए भी है, बहुत सारी चीजें हैं। तो सबसे पहले नंबर पे मैं शेयर करता हूँ ये, हाँ जी। तो सबसे पहले नंबर पे ये देखिए, ये माइनॉरिटी की स्कीम्स हैं। अब आप देखिए किसमें अप्लाई करना चाहते हैं आप और किसमें अप्लाई नहीं करना चाहते हैं, वो मैटर नहीं करता है। कैन नाउ सी योर एप्लीकेशन, पार्टिसिपेंट्स कैन नाउ सी योर एप्लीकेशन, ठीक है। आप लोग को दिखाई दे रहा है, अगर जिनको दिखाई नहीं दे रहा हो वो व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा कि सर हमको नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो भैया कहाँ निकल गए पत्रकार जी, वापस आ जाओ, निकल क्यों जाते हैं आप लोग, ठीक है। तो एक है ये सीखो और कमाओ, दूसरा है हमारा कहाँ चले गए यार, ये सब खोल के रखे थे। हाँ, एक ये उस्ताद स्कीम है, इसकी भी PDF है, बुक है, सारा कंटेंट है, जो कुछ चाहिए होगा मिल जाएगा, स्टडी कर लीजिएगा, स्टडी मटेरियल बहुत जरूरी है, और आप लोग सेल्फ डिपेंडेंट बनिए। एक है ये मौलाना आजाद नेशनल एकेडमी फॉर स्किल्स, मानस करके, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये सब माइनॉरिटी की हैं, इसमें बहुत सारी स्कीम्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, इनमें देखिए आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, ठीक है। कैसे करेंगे क्या करेंगे वो बात की बात है, पहले नंबर पर डिसाइड करना है कि आपको करना क्या है। एक ये उस्ताद है, नई रोशनी हो गई उस्ताद, एक बार मैं ये क्लिक कर दूं। एक है नई मंजिल, सीखो कमाओ,
ठीक है, ये सब मैंने ओपन करके रख रखे थे, लेकिन आती है तो ये बंद हो जाते हैं आई थिंक। ये है, हाँ ये औरंगाबाद का है जहां मैं ज्यादा मेरा टाइम स्पेंड होता है, महाराष्ट्र में औरंगाबाद में, वहां की यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे भी अर्न एंड लर्न स्कीम चल रही है, एक लोगों ने मुझसे कहा था स्कॉलरशिप और उसके लिए, तो उसी के लिए मैं देख रहा था, मुझे मिल गया, तो वो उनको देना है। ये अल्पसंख्यक मंत्रालय है, माइनॉरिटी ऑफ मिनिस्ट्री, यहाँ पे ये स्कीम है सीखो और कमाओ, और इसके यूजर हैं क्या क्या हैं, ये आईडी और आपको लिंक सब मिल जाएंगे। ठीक है, वेबसाइट आपको दिख ही रही होगी सामने, वीडियो मुझसे ले लिया करिए, नहीं तो चैनल पे मैं डाल देता हूँ, लेकिन चैनल पे उन्हीं को मिल पाएगी जो हमारे मेंबर्स हैं, क्योंकि ज्वाइन बटन अगर नहीं करा है। सीखो और कमाओ है, ये खुल नहीं रहे, क्या बात, बड़ा लेट हो गया इंटरनेट, क्या स्लो हो गया। ये उस्ताद योजना, ये उस्ताद योजना है, ठीक, इसमें बहुत अच्छी स्कीम है, ये वाराणसी के लिए शुरू की गई थी, सब हिंदी और इंग्लिश बोध है लिखा हुआ, थोड़ा सा पढ़िएगा उसको, देखिए क्योंकि मेरे पास टाइम कम होता है। ठीक, एक ये है, एक ये है, और मैं एक्सप्रेस भी नहीं ज्यादा, मतलब ज्यादा बोलते बोलते थक जाता हूँ दिन भर, तो आप जो बताएंगे उसमें मैं करूंगा। ये गाइडलाइंस और ये सब है, ट्रेनिंग, ये वेबसाइट है, थोड़ा देखिए समझिए कैसे करना है क्या करना है, वो बात की बात। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो ठीक ठीक, ये नहीं खुला, ये कौन सा था, नई मंजिल, हाँ एक और ये योजना, ये छूट गई थी, ये छूट गई थी स्कीम, नई मंजिल। नोट करिए, नोट करिए, कहीं पे लिख लीजिए, डाउन करिए, राइट इट डाउन, आई वांट यू राइट इट डाउन, मैं चाहता हूं कि आप लिख लें, लिखिए, फिर आप मुझसे बात कीजिएगा कि क्या आपको करना है, कैसे करना है। ठीक है, आज हमने बात की है माइनॉरिटी प्रोजेक्ट्स के बारे में बात की है, किसके बारे में बात कर रहे हैं, आज का टॉपिक है माइनॉरिटी प्रोजेक्ट्स। जो लोग माइनॉरिटी में इंटरेस्टेड हों, माइनॉरिटी में कौन कौन आते हैं, माइनॉरिटी में आते हैं मुस्लिम, अल्पसंख्यक में कौन कौन आते हैं, मुस्लिम और सिख, क्रिश्चियन, ईसाई, है ना। तो जो लोग माइनॉरिटी पे वर्क करते हैं, जैसे मेरे पास बहुत सारे कॉल आते हैं, रोज आते हैं, बोलते हैं सर हमारा एनजीओ है, हमारा फलाना है, हमारा ये है, और उनसे मैं पूछता हूं कि सर आपकी स्पेशलाइजेशन क्या है, मतलब आप किस फील्ड में, किस एरिए में पर्टिकुलर काम करते हैं, एजुकेशन में करते हैं सर, इसमें करते हैं, अरे भाई उसमें इसमें स्पेसिफिक होना, बच्चों के लिए है, कितने क्लास तक के बच्चों के लिए है, कितनी एज तक के बच्चों के लिए, क्यों, क्योंकि ऐसे नहीं कि कुछ भी कहीं पे भी आप किसी को, अधिकारी है मान लो फॉर एग्जांपल, जैसे आपने देखा होगा हॉस्पिटल में जाते हैं तो हॉस्पिटल में डॉक्टर होते हैं सब, लेकिन एक एक स्पेशल स्पेशलिस्ट होता है, जैसे कान का डॉक्टर अलग होगा, नाक का अलग होगा, आंखों का अलग होगा, तो आपको जहां पे जो समस्या है, जो बीमारी है, आप उसी के पास तो जाएंगे, कान वाले के पास आंख की बीमारी लेके जाओगे तो वो भगा देगा। तो ऐसे ही ये जो विभाग हैं, इनको थोड़ा समझना जरूरी है कि कौन सा विभाग किसके लिए है। अब ये नई रोशनी स्कीम है, ये किसके लिए है, द स्कीम फॉर लीडरशिप डेवलपमेंट ऑफ वुमेन, माइनॉरिटी वुमेन के लिए है। तो ये पूरी बुक है, पूरा इसमें सब कैसे क्या, पूरा ए टू जेड सब है। ठीक है, ये मैं दे दूंगा आपको, वैसे तो इसकी कीमत है 300 रुपीज इस बुक की, लेकिन जो मेरे मेंबर्स हैं उनके लिए ये है फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई कोई पैसा नहीं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, और तो मैं ये कह रहा था कि पार्टिकुलर आपको एग्जैक्ट लेजर फोकस्ड होना, इफ यू प्रसिस्ट एंड स्टे फोकस्ड एंड सराउंड योरसेल्फ विद अदर पीपल दे आर प्रसिस्ट एंड स्टे फोकस्ड। तो जो लोग फोकस्ड हैं, लेजर फोकस्ड हैं, उनके लिए सारी चीजें। अब ऐसे थोड़े ना कुछ भी कहीं पर भी जो मिल गया, हम सफर में जो मिला वो हमरा ही हो गया, ऐसे नहीं होता कि जो जो मिल गया, जहां जहां दाल गल गई, जैसे हो गया, इतने फ्लेक्सिबल भी और इतने वो अच्छे इंसान मत बनिए, है ना। कुछ प्रायोरिटीज रखिए, कुछ कुछ आपकी बाउंड्रीज होना चाहिए कि हाँ भाई मैं ये करता हूँ, ये नहीं करता हूँ, मैं इसमें जाता हूँ, इसमें नहीं जाता हूँ, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा नहीं हूं, ये नहीं सब में हाँ ठीक। हमारे एक सर थे, गुरुजी थे, वो पढ़ाते थे हम लोगों को, और वो कभी किसी चीज के लिए मना नहीं करते थे, मतलब उनसे कुछ भी आप पूछें
कुछ भी आप पूछें वो भाई साहब कभी मना नहीं करते थे, वो कहते थे हाँ ठीक है हम बता देंगे, और उल्टा सीधा पता नहीं कहाँ कहाँ, अरे भैया तुम्हें नहीं आता तुम क्लियर बोलो ना कि यार ये नहीं आता मुझको, ये चीज यार मुझे नहीं मालूम, तुम्हें इसमें शर्म काहेगी, तुम्हारी कोई इज्जत थोड़ी ना कम हो जाएगी। लेकिन वो अजीब आदमी थे, वो कभी किसी चीज के लिए मना नहीं करते थे, बोलते यस हाँ ठीक डन, हर चीज के लिए यस हाँ तब बोलो जब आप कर सकते हो, जब आप हो, नहीं तो वो चीज समझिए। ठीक है, तो आज हम एक एक फील्ड, एक एक चीज को हम टारगेट करेंगे। माइनॉरिटी का हमने ये टारगेट कराया। अब इसमें पहले नंबर पे देखिएगा कि आपको क्या क्या चीजें, जैसे नई मंजिल है ये खुल नहीं रही है, अभी खुलेगी ये वेबसाइट, ये भी माइनॉरिटी की है, अभी खुल रही थी अभी नहीं खुली, हो जाता है कुछ लफड़ा, कुछ हो जाता है, इट हैपेंस ऑल द टाइम। तो आप पहले डिसाइड करिए कि आपको क्या क्या करना है, क्योंकि उसी हिसाब से आपकी फाइल बनेगी ना। अब योगा योगा वाले बहुत सारे हैं मेरे पास, कहते सर योगा का सेंटर दे दीजिए, योगा का सेंटर हम दे देते हैं, तुरंत देते हैं, 5,000 रुपए में योगा का सेंटर आपको मिल जाता है, सर्टिफाइड गवर्नमेंट सर्टिफिकेट जिसपे नौकरी तक लगेगी, है ना, सरकारी सर्टिफिकेट, केंद्र सरकार का सर्टिफिकेट आपको मिलता है। तो अब वो भाग जाएंगे, वो कहेंगे सर हमको ये भी दिला दो। अब हम उनको बताएंगे कि ठीक है, अब आप एक और स्कीम है, अब वो कहेंगे हाँ ये भी दिला दो, अब वो एक और स्कीम, अब वो भी, अब ऐसे ऐसे थोड़ी ना। आप एक चीज पहले क्लियर करो और बिल्कुल अपना सब बनाओ, एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप, पहली बार में एक, फिर एक, फिर एक, फिर एक, ऐसे थोड़ी ना कहीं पे भी कुछ भी। ठीक है, तो ये वेबसाइट्स हैं, इनमें देखिए, थोड़ा सा पढ़िए कैसे करना है कैसे नहीं, खुद डिपेंडेबल बनिए, है ना। हाँ, स्किल डेवलपमेंट के बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, स्किल डेवलपमेंट के बहुत बहुत से प्रोग्राम्स हैं, आप जो सा लेना चाहें लें, करीब 100 के ऊपर हैं प्रोग्राम्स, मैं पूरी लिस्ट आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप देखिए उसमें, पेड भी हैं फ्री भी हैं, बहुत सारे हैं, जो करना चाहते हैं वो हर हाल में करते हैं। पहले नंबर पे ध्यान करिए, फोकस करिए इनकम के ऊपर, अर्निंग, पैसा इंपॉर्टेंट है ना। मनी इज ए गुड थिंग और बैड थिंग, पीपल गोइंग टेल यू इज अ बैड थिंग, लोग आपको बताएंगे पैसा खराब चीज है, बट भाई पैसा अच्छी चीज है, वेस्ट बंगाल के लिए भी है पैसा, हर जगह के लिए है। मैं सेंट्रल सेंट्रल एक देखिए, दो चीज समझिए, दो चीज आप समझिए, एक होता है स्टेट और एक होता है सेंट्रल। स्टेट होता है हर राज्य का अलग अलग, जैसे यूपी का अलग होगा, दिल्ली का अलग है, झारखंड अलग है, उत्तराखंड अलग है, गुजरात अलग है, महाराष्ट्र अलग है, तो ये स्टेट्स हो गए। और एक होता है सेंट्रल, है ना, तो एक होता है सेंट्रल, अरे ये पता नहीं क्या हो रहा, मैं स्क्रीन हटा रहा, स्टॉप। हाँ जी, तो मैं ये कह रहा था, क्या कह रहा था मैं, एक होता है, क्या कह रहा था मैं, एक होता है स्टेट, एक होता है सेंट्रल। तो जो सेंट्रल की जो स्कीम्स हैं वो पूरे देश के लिए हैं, तो आप ये समझिए कि आप कौन से प्रोजेक्ट पे वर्क करेंगे, आप सेंट्रल गवर्नमेंट को टारगेट कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट को टारगेट कर रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट को टारगेट करेंगे तो सिर्फ जो स्कीम्स जिस स्टेट में चालू हैं वो उसी स्टेट में मिल पाएंगी। अब यूपी में जो रहते हैं तो यूपी में जो योगी जी की सरकार है वो यहाँ की मिलेगी। अब यहाँ की जितनी स्कीम्स हैं उसकी मैंने वेबसाइट आप लोग को दे रखी है, नहीं दे रखी, पूरी स्कीम मैंने दे रखी है आप लोगों को, जो यूपी वाले हैं, यूपी में जितनी स्कीम है, मैं एक सेकंड रुकिए, मैं अभी दिखा रहा हूं उसको, जो यूपी वाली है ना, यूपी वाले में आपको पूरा का पूरा सारी स्कीम्स आपको मिल जाएंगी, है ना। तो आप उस पे जाके आप सारी यूपी की, अब स्टेट वाली जब हम देखेंगे तो स्टेट वाली देख लेंगे, कल देख लेंगे क्योंकि वो भूल जाता हूँ। तो आज जो मैंने अभी बात की है ये सब मैं, हाँ उड़ीसा के लिए भी बहुत कुछ है, देखिए फिर वही चीज समझिए भाई, समझिए पहले, एक है स्टेट और एक है सेंट्रल। तो अगर आप सेंट्रल पे फोकस करते हैं तो आप देश के किसी भी कोने में रहते हो वो स्कीम आपके लिए है, ठीक है। अगर आप पर्टिकुलर किसी स्टेट में हैं तो आपको स्टेट गवर्नमेंट की वेबसाइट पे चेक करना होगा कि यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में कौन कौन सी स्कीम्स चल रही हैं। तो आप दोनों पे फोकस करना चाहें, दोनों पे फोकस कर सकते हैं। आप मुझे बताइए कि आप किस स्टेट से हैं, मुझे व्हाट्सअप कीजिए कि मैं
इस स्टेट से हूं तो उस स्टेट की जो वेबसाइट है उस स्टेट की जितनी स्कीम्स हैं वो मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। वहां से आप अपना सिलेक्ट करिए कौन सा करना है क्या करना है, ठीक है। तो आप जब वहां से सिलेक्ट कर लेंगे कि हमको इस स्कीम, फिर आप उस स्कीम में मुझसे जो हेल्प चाहिए जो भी चीज है वो आप मुझसे लीजिए कि इसको कैसे अप्लाई करना है, कैसे इसकी फाइल बनेगी, कैसे इसके प्रपोजल बनेगा, कैसे प्रोजेक्ट तैयार किया जाएगा, कैसे सबमिट करना है फाइल, कैसे आप उसको, हाँ बिहार है तो बिहार के लिए अलग है, नए पुराने से कोई मैटर नहीं है, आपसे मैंने पहले भी कहा है, आपकी सिर्फ मैटर करती है वो होती है अप्रोच। अप्रोच समझते हैं ना, अप्रोच का मतलब है हिंदी में बोले तो जूता, आपका जूता कैसा है, मजबूत है कि हल्का है, मतलब जोर से काम होगा, बिना जोर के काम नहीं होगा, आप जाएंगे आपको लोग घुमा देंगे टहला देंगे और भाई साहब आप घूमते रहेंगे और चले आएंगे, पहले नंबर पे बोल देंगे कुछ है ही नहीं। और उसके देखिए मैंने आपसे सिडबी पर भी ले लीजिए एक मीटिंग, हाँ सिडबी पे लेंगे, सिडबी की मैंने वेबसाइट तो दी है, सबको दे दी है, वेबसाइट भी दी है, उसका पूरा लिंक दिया है और उसकी 15 तारीख लास्ट डेट है, आज 5 हो गए, 10 दिन बचे हैं, सिडबी पे 20 लाख रुपए का है यानी 25 लाख का प्रोजेक्ट, तो सिडबी वाला जो है वो तो कोई भी अप्लाई कर सकता है, उसको तो कोई भी अप्लाई करे, है ना, सिडबी वाला जिनको नहीं मिल पाया है वो ले लिया करें। देखिए एक्चुअली ऐसा है मेरे पास रहता है बहुत सारी चीजें, मेरी बहुत सारी सुबह से शाम तक बहुत सारी क्लासेस रहती हैं, तो मीटिंग बहुत सारी रहती हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन भी रहती है। अब कल से जो फिजिकल मेरी मीटिंग लग रही है, पुलिस की ट्रेनिंग लगी हुई है, वो लगेगी 10-12-15 दिन, तो मैं भूल जाता हूँ बहुत कुछ, मतलब भूलता नहीं हूँ, मतलब माइंड इतना, हाँ न्यू एनजीओ कर सकता है, मैंने कितनी बार बोला है न्यू एनजीओ कर सकता है, कोई फाउंडेशन नहीं है, 2-3 चीजें हैं शर्तें, बस मैंने कहा है वो चीज आपकी पूरी हो, जब आप जाएंगे एनजीओ दर्पण पे आपका रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है और आपके पास पेपर्स डॉक्यूमेंट्स हो प्लस आपका लिंक हो, लिंक होगा तो देखिए आप जब जाएंगे ना तो वहां पे सारे दिशा निर्देश और वो सब लिखे होते हैं, आप उनको थोड़ा सा पढ़िए, हाँ हाँ तो वो, हाँ वो आप पढ़ेंगे नहीं उसमें कोई जरूरी नहीं कि देखिए। और फिर मैं एक चीज और बोलता हूँ कि आप को डायरेक्ट आपको नहीं मिल रहा है तो आप मेरे पास आइए, मेरे पास 15,000 के ऊपर संस्थाएं हैं मेरे साथ, तो 15,000 संस्थाएं थोड़ी नहीं होती हैं, 15,000 का मतलब है बहुत ज्यादा, तो जो लोग वर्क करते हैं दुनिया में बहुत अच्छे लोग हैं जो हेल्पफुल हैं जो हेल्प करना चाहते हैं, तो आपको जोड़ के ज्वाइंट, जिसको हम एक वर्ड बोलते हैं, जिसको बोलते हैं कोलैबोरेशन, कोलैबोरेट, तो दूसरों के साथ कोलैबोरेट होइए, अभी आप नए हैं आपको कुछ आता नहीं है आपको कुछ सीखना है तो आप फ्री में काम कीजिए। अच्छा जो पुरानी संस्था है उसको क्या चाहिए, उसको उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए काम, उसको बैठे बैठे काम मिलेगा, आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए एक्सपीरियंस, आप सीखेंगे, आप दूसरी संस्था से जुड़िए, आप करना तो चाहते नहीं, बुरा मत मानिएगा, डोंट टेक पर्सनली, आप किसी चीज को पर्सनल मत लीजिए, मैं जो बात कह रहा हूँ वो सबके लिए है और मैं अपने लिए कहता हूँ यहाँ पे जो भी चीजें हैं, और मैं आप अगर कह रहा हूं तो आपका मतलब आप नहीं है, थर्ड पर्सन है कोई है उसको समझेंगे। जैसे मैंने शुरुआत की, अब मुझे काम आता नहीं था तो मैंने काम सीखा, मैंने फ्री में काम किया लोगों का, उनको मैंने काम करके दिया, अब संस्था से आप जुड़ेंगे, कोलैबोरेट कैसे होगा, कोलैबोरेट होगा तभी जब दूसरे का फायदा होगा, आप उनसे कहिए सर हम आपका काम करेंगे आप हमें पैसे दीजिए मत दीजिए, तो वो कहेंगे अरे वाह ठीक है उन्हें फ्री में काम हो रहा है, तो वो वर्क आपको देंगे, आप वर्क करिए उनका, वो पैसा लेंगे, आपको एक्सपीरियंस हो गया, उनको वो नेक्स्ट टाइम कॉन्टेक्ट बन गए, अधिकारी से मिले गए, इधर उधर आए गए, तो ये सारी चीजें करना होती है। अब ये चीज करना चाहेंगे नहीं, अब बहुत सारे लोगों को मेरी बातें बहुत बुरी लगेंगी, वो बोलेंगे ऐसे थोड़ी ना, ये नहीं तो भैया अब इतने सालों से बैठे हैं तो बैठे रहेंगे, तो ये है मैंने बहुत फ्री में काम करा, बिल्कुल ना के बराबर काम करा, बिल्कुल जीरो पेमेंट पे काम किया है, पैसे के पीछे नहीं, काम किस लिए करा जाता है, सीखने के लिए या पैसे के लिए, मैं बराबर कहता हूँ बताइए, काम किया जाता है सीखने के लिए, पैसे के लिए नहीं, पैसे के लिए काम करेंगे तो फिर नहीं कर पाएंगे, है ना, तो ये सारी चीजें हैं। हाँ आप अगर हमसे कोई काम करवाएंगे, हम पैसा नहीं लेते किसी चीज का, हमसे अगर आप काम करवाएंगे तो फिर जो सर्विस आप हमारी लेंगे तो फिर आपको हमको क्या, जिसको भी हाँ बात कर लीजिएगा, हाँ टाइम बता देंगे आप, टाइम क्या, आप देखिए मैंने आपसे कहा है कि आप फोन कर लिया करिए, बार बार वही चीजें रिपीट होती हैं, तो फोन आप कर लिया करिए, हाँ बिजी हैं, हाँ मैं टाइम दे दूंगा, टाइम मिल जाएगा, टाइम के लिए ये है कि पहले नंबर पे तो पत्रकार जी बार बार बाहर हो जा रहे हैं, क्या बात है, पत्रकार योगेश कुमार मीडिया प्रभारी उत्तर प्रदेश, ये बार बार बाहर निकल जाते हैं पता नहीं कैसे, चलिए खैर
कहाँ पे थे? हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग कॉल करा कीजिए, और कॉल करने के लिए जब बिजी हूँ तो फोन नहीं हो पाएगा। अब जैसे कल से मीटिंग लगेगी, ट्रेनिंग लगेगी, तो ट्रेनिंग मेरी जितनी देर रहेगी उतनी देर फोन रिसीव नहीं हो पाएगा, फोन स्विच ऑफ भी जा सकता है, तो परेशान नहीं होना। और उसके लिए व्हाट्सअप है ना, मैसेज मैसेज डाला करिए। ये मैं आप लोगों से बराबर कहता हूँ, बड़े लोगों को, जितने भी बिजी लोग हैं, अधिकारी लोग हैं, उन्हें बार बार कॉल मत करिए, कॉल करने में डिस्टर्ब होता है। तो उसको क्या करते हैं, मैसेज डालते हैं। मैसेज कौन सा डाला करिए, टेक्स्ट मैसेज डाला करिए, व्हाट्सअप तो सब डालते हैं। हाँ, ठीक है ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी, कोलैब करेंगे, आप तो करेंगे, आपके ऊपर तो भरोसा है मुझे। वजाहत जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आप तो मेरी हिट लिस्ट में, टॉप की लिस्ट में। कुछ लोग हैं जिन्हें मैं दिल से लाइक करता हूँ, ऐसा नहीं बाकी लोगों को लाइक नहीं करता हूँ, बाकी लोग वो अदर ना ले कि यार ये इनको लाइक करते हैं, हमको क्या डिसलाइक करते हैं, नहीं मैं लाइक सबको करता हूँ। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो आगे बढ़ के आगे आते हैं। टेक इनिशिएटिव ऑलवेज, यू शुड टेक इनिशिएटिव ऑलवेज, यू शुड नॉट वेट फॉर अदर्स। आपको हमेशा आगे बढ़ के काम करना होता है, आपको दूसरों का वेट नहीं करना होता। अगर आप वेट करेंगे तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना? आप वेट करेंगे, बैठे रहेंगे, इंतजार करेंगे तो कुछ नहीं। जो लोग आगे बढ़ के अपॉर्चुनिटी ग्रैब करते हैं, जो लोग आगे बढ़ के रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, जो लोग हर चीज की खुद जिम्मेदारी लेते हैं कि जो होगा देखा जाएगा, करते हैं, डू इट एनी वे, है ना? बहुत सारे लोग बोलते हैं ना डू इट एनी वे। तो जो इस मेंटेलिटी के हैं, जो पॉजिटिव थिंकिंग है, थिंक बिग, जो बड़ी सोच रखते हैं, बड़ी सोच का मतलब ये नहीं कि एकदम बड़ा सारा पैसा, नहीं बड़ा सारा पैसा नहीं, ज्यादा पैसा नहीं, मतलब थिंक बिग का मतलब है दिल जिनका बड़ा हो, बड़ा मतलब मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, मेरी बात समझने की कोशिश करिए। एक होता है दिल छोटा सा, मतलब जैसे खाने की बात हम करते हैं अगर तो समझ में आए, जैसे खाना दे रहे हैं ना तो बहुत जरा सा देते हैं दूसरे को खाने के लिए, वो जरा सा नहीं, वो ज्यादा सा दे, मतलब दिल बड़ा, जगह स्पेस हो, मतलब घर में जगह नहीं है लेकिन फिर भी आ जाओ बड़े। हमने देखा कुछ लोग हैं जैसे गरीब हैं, वो बाइक पे तीन तीन चार चल लदे हुए जा रहे हैं, हमने कहाँ जा रहे हो, कह रहे अरे यार उनकी तबीयत खराब है, तो वो मतलब जरूरत नहीं है उनकी लेकिन फिर भी लदे हुए जा रहे हैं, तो उनका दिल बड़ा है, जगह नहीं है फिर भी लादे हुए हैं, परेशान हो रहे हैं लेकिन टेंशन है लेकिन फिर भी वो, ये चीज है ना। चलिए ठीक है, तो आज आज का समअप कर लें। आज क्या क्या चीजें थी, आज हमने हाँ DMT और ब्रेन डेवलपमेंट पर, हाँ वर्क कर रहे हो आप, ठीक है। देखिए जो भी आप वर्क कर रहे हैं वो मैंने फिर कहा है, फिर सुनिए, आप जो भी वर्क कर रहे हैं, आजकल है डिजिटल दौर, डिजिटल दौर में आपकी प्रेजेंटेशन जबरदस्त होनी चाहिए। प्रेजेंटेशन जबरदस्त का मतलब है दिखना चाहिए, जो दिखता है वो बिकता है। आपका जितने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पे सब में आपको प्रेजेंट होना चाहिए, हर सोशल मीडिया पे आप अवेलेबल होना चाहिए, आपकी एक्टिविटीज के बारे में आपका जो कुछ है वो सब ओपन होना चाहिए, आपका बंद नहीं होना चाहिए, जो कोई भी चाहे आपको चेक कर ले, और जब तब चेक करें जब आप नहीं हैं आपके पीछे, तो ऐसा होना चाहिए आपकी संस्था। मान लीजिए मैं एक क्लिक करूं तो मुझे सब मालूम हो जाए, अच्छा हाँ ये बंदा है, ये एक्टिविटीज है, ये ऐसा, मुझे आपसे पूछना ना पड़े कॉल करके कि सर आप क्या करते हैं। हाँ ठीक है, हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं क्यों नहीं, मैं आप जो भी है मैं सब सबको जो कोलैबोरेट करना चाहते हैं, जो कोलैबोरेशन चाहते हैं, उनको कोलैबोरेट हो जाएगा, उनका कोलैबोरेशन हो जाएगा। पर फर्स्ट क्या है, फर्स्ट यू हैव टू पे द प्राइस टुडे, आपको हर चीज की कीमत देना पड़ेगी, ऐसे कोई आपको जोड़ेगा भी नहीं, कोई सिखाएगा भी नहीं, तो आपको कुछ देना होगा, है ना? सक्सेसफुल पीपल क्या होते हैं, गिवर होते हैं, नॉट टेकर, वो देते हैं ज्यादा से ज्यादा चीजें। तो जो कुछ आपके पास है वो आप दें लोगों को, जो कुछ है देने वाली आपके अंदर हो क्वालिटी, तो आप ज्यादा सक्सेस करेंगे। तो लेने के चक्कर में पहले ना रहिए, मैं ये हर चीज बराबर बोलता हूँ। तो आप कोलैबोरेट करना चाहते हैं, अच्छी बात है। तो आज हमने माइनॉरिटी पे फोकस करा है, माइनॉरिटी की जो चीजें हैं, बुक्स अगर चाहिए हैं बुक्स मिल जाएंगी, ठीक है। ये नई रोशनी कहाँ गई, हाँ ये हाँ ये नई रोशनी, ठीक है, ये बुक अवेलेबल है, 300 रुपये प्राइस है, ठीक है मिल जाएगी। और ये बुकलेट ये अवेलेबल है, ठीक है, तो जिनको चाहिए उनको मिल जाएगी, ठीक। तो आज हमने चार पांच स्कीम्स के बारे में बात की है। हाँ, ठीक है। हाँ जो भी है देखो आप लोग आपस में, मैंने ये जो प्लेटफॉर्म बना रखा है ये मैंने, कौन सा ग्रुप है इसको मैं बोलता हूँ, ये ग्रुप है मास्टर माइंड लोगों का ग्रुप,
तो आपके साथ में अच्छे अच्छे लोग हैं, आप लोग आपस में भी बात कर लिया करिए कि हमारा सर ये है, हमारा ये है, हमारा ऐसे, हम आपस में कैसे कंट्रीब्यूट करें, एक दूसरे की लाइफ में कैसे वैल्यू ऐड करें, है ना। तो ठीक है, तो आप ग्रुप में हैं, जुड़े हुए, आप लोग आपस में भी बात कर लें, लेकिन ईमानदारी फर्स्ट रखिएगा, ऑनेस्टी रहे, डिसऑनेस्ट नहीं। मुझे जो भी चीज पता चलती है, अगर कुछ भी गड़बड़ सड़बड़, तो बिलीव मानिए मेरे पास लीगल पूरा है, क्योंकि मेरे पास जितने भी लोग जुड़े हैं वो इसी उम्मीद से जुड़े हैं कि उनके साथ कभी गलत नहीं होगा, है ना, ना गलत होने दूंगा। कहीं पे भी किसी का भी कोई पैसा जाता है, कुछ भी जाता है, तो मेरे संज्ञान में अगर है तो मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन अगर मेरे संज्ञान में नहीं है तो दिक्कत है, लेकिन मैं वापस करवा देता हूँ फिर भी, लड़ झगड़ के, क्योंकि लीगल एडवाइजर हमारे पास बहुत तगड़े हैं, टीम बहुत तगड़ी है, पुलिस हमारे साथ में है, प्रेस हमारे साथ में है, पब्लिक हमारे साथ में है, P3 हमारे साथ है। P3 ग्रुप में जो लोग ऐड होना चाहते हैं वो जाएंगे, पुलिस, पब्लिक, प्रेस, ये तीनों हमारे साथ में है, बहुत पावरफुल है। इंटरनेशनल वाले जिन लोग को, हाँ, ये किट जिन लोगों को मिल गई है उनका धन्यवाद, जिनको नहीं मिल पाई है, इंटरनेशनल 8 तारीख 9 तारीख कब होता है, 8 दिसंबर 9 दिसंबर को इंटरनेशनल वाला है ये, तो उसमें मीटिंग होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं, ये इंटरनेशनल डे है, इसमें जुड़िए और अपनी यूनिटी मजबूत कीजिए। तो ये प्लेटफॉर्म मैं आप लोग को इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि मुझे कभी कोई हेल्प नहीं हुई थी, ये प्लेटफॉर्म एक ऐसा है जहाँ पे हम एक साथ खड़े हैं, एक साथ हैं तो दम है, ठीक है, आपको कभी कोई मिसगाइड नहीं कर पाएगा, सारी चीजें सीख लेंगे, समझ लेंगे, कैसे करना है, किस तरीके से करना है। बाकी मैं आपके लिए हूँ, और मैं पीछे नहीं हूँ, मैं आपके आगे हूँ, सामने हूँ, जो कोई भी वार होगा, जो कुछ है, वो पहले मैं झेलूंगा, आपके ऊपर नहीं आने दूंगा आज कुछ भी, ठीक है, मैं आपके साथ हूँ, ठीक ठीक है। इसमें आज की जो बातें थी वो देखिए क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन किस चीज चीज में इंटरेस्टेड है, उसको करिए। नेक्स्ट वाली जो मीटिंग होगी उसमें हम वो ले लेंगे, सिडबी वाला, कल सिडबी ले लेते हैं। ठीक है, चलिए, ठीक, ओके, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, मेरे मिलेनियर्स और बिलेनियर्स, थैंक्स।